जय श्री राम, जय पाकिस्तान, नाम सरकार। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ग्रो टू सक्सेस में। दोस्तों यदि कोई भी व्यक्ति में बल होता है तो वह बल होता है उसकी आर्थिक मजबूती। अर्थात कोई भी व्यक्ति यदि आर्थिक रूप से संपन्न है तो वह चाहे जो करता है उसके सामने बोलने वाला कोई भी नहीं रहता। और यदि उसकी आर्थिक स्थिति को गिरा दिया जाए, यानी कि उसकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर कर दिया जाए, उसका पैसा जो है वो ख़त्म कर दिया जाए, तो दोस्तों वह स्वयं ही अपनी परेशानियों के हल करने में लग जाता है और वह शत्रुता अपने आप ही बंद कर देता है। दोस्तों किसी भी शत्रु की शक्ति खत्म करने का मतलब है कि उसकी उसको आर्थिक रूप से हीन करना, उसको धनहीन करना। यदि आप उसको धनहीन कर देंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि वह शत्रु अब आप पर कुछ भी किया कराया नहीं करवाएगा, किसी प्रकार का टोटका आप पर नहीं करवाएगा। दोस्तों शत्रु नाश का अर्थ यह नहीं है कि शत्रु समाप्त हो जाता है। शत्रु भले ही अपने स्थान पर बना रहे, परंतु शत्रु की यदि अपने जीवन में होने वाली जो भी आर्थिक आमदनी है उस पर रोक लगा दी जाए तो समझ लेना कि शत्रु का यही नाश का पहला मार्ग है। तो दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक ऐसा ही उपाय जो शत्रु विनाश के लिए होने जा रहा है। दोस्तों शत्रु का जो नाश होता है ना, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि शत्रु को मार दिया जाए, ऐसा नहीं होता। शत्रु को जीते जी मारने का मतलब होता है कि यदि वो आप पर कुछ किया कराया बंद कर देता है तो वो आपके लिए एक तरह से मर ही गया है, क्योंकि वो उसकी आर्थिक परेशानियों में ही उलझ जाएगा। अब दोस्तों कौन सा ऐसा उपाय है जिससे कि शत्रु का नाश होगा, तो दोस्तों लाल मिर्च का आज बहुत ही चमत्कारिक उपाय आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, और वीडियो पे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही में दोस्तों उसको लाइक जरूर करना, क्योंकि लाइक करने से बागेश्वर धाम सरकार बालाजी कृपा आप पर होगी। और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिख देना। दोस्तों जब भी किसी व्यक्ति की आर्थिक आमदनी पर रोक लगा दी जाए तो समझ लेना कि शत्रु का यही नाश का पहला मार्ग है। तो आज मैं आपको बताऊँगा ऐसा ही एक उपाय जो शत्रु के विनाश के लिए, यानी कि उसका सब कुछ रुक गया तो समझ लेना कि शत्रु का नाश जो है वो प्रारंभ होना शुरू हो गया है। दोस्तों आपका ग्रो टू सक्सेस में बहुत ज़्यादा हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। दोस्तों उपाय को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइएगा, क्योंकि उपाय बहुत ही ज़बरदस्त है। और यदि आपने इस उपाय को शनिवार के दिन कर लिया तो दोस्तों यकीन मानिए आपकी जो दिक्कतें हैं, जो कि शत्रु की तरफ से आ रही थी या शत्रु आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था, वो पूरा का पूरी दिक्कत आपकी समाप्त होने वाली है। तो दोस्तों आपको करना क्या है ध्यान से समझिएगा। दोस्तों इस उपाय को आपको केवल शनिवार को करना है। शनिवार के दिन इस उपाय को कैसे करें जाए यह पूरी विधि आज मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। तो शनिवार के दिन आप क्या करें, इस उपाय को सूर्यास्त से पहले करें, सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त से पहले, मतलब कि जब तक सूर्य आकाश में है तब तक आप इस उपाय को कर सकते हैं, किसी भी समय कर सकते हैं। लेकिन यदि आप इस उपाय को दो से और दिन, यानी दिन के दो बजे से और शाम को छः बजे के बीच में करते हैं तो ये आपको बहुत ज़्यादा लाभ देता है। अब इस उपाय को कैसे करा जाए, उसकी विधि क्या है, उसकी क्रिया क्या है, उसको ध्यान से समझेगा। दोस्तों इसमें आपको चाहिएगी पीसीवी लाल मिर्च। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको पीसीवी लाल मिर्च की आवश्यकता होगी। एक आवश्यकता होगी एक छोटे से काले कपड़े की। अब दोस्तों छोटा सा काला कपड़ा कितना बड़ा, जैसे चिंदी होती है ना कपड़े की, उतनी बड़ी चिंदी आपको लेनी है काले कपड़े की। काला कपड़ा गंदा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए। तो काले कपड़े की एक चिंदी आप ले लें, और एक काली डोरी की भी ज़रूरत यहाँ पर पड़ेगी, काले धागे की भी ज़रूरत आपको यहाँ पर पड़ेगी, काला धागा भी आप अपने पास रखें। आप क्या करें शनिवार को, और इस उपाय को करते समय आपको ध्यान रखना है कि आपको कोई रोके टोके नहीं, या फिर आपके परिवार में ज़्यादा ही डिस्टर्बेंस होता है, मतलब कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करे, इसका बात का आपको ध्यान रखना है। यदि आपके परिवार में आपको कुछ ज़्यादा ही डिस्टर्ब करता है तो आप छत पर जाकर के भी इस उपाय को कर सकते हैं। अब दोस्तों आपको क्या करना है, दक्षिण दिशा में आपको बैठ जाना है, या फिर अपना कमरा बंद करके भी इस उपाय को कर सकते हैं। कमरा बंद करने से, उपाय करने से फ़ायदा यह है कि आपको एकांतवास मिल जाएगा, और एकांत में ही इस उपाय को किया जा सकता है, तभी यह फल देगा। दोस्तों बहुत से लोग होते हैं कमेंट करते हैं कि गुरुजी हमारा उपाय काम नहीं कर रहा, तो उसने कुछ ना कुछ टूटी उपाय में की है, या तो एकांतवास में रहकर उपाय नहीं कर रहे, किसी ने उनको देख लिया, किसी ने टोक दिया, तब भी उपाय कार्य नहीं करते हैं दोस्तों। क्योंकि मैं यदि 1,00,000 लोगों को उपाय बताता हूँ तो उसमें से 60-70 हज़ार लोगों के तो उपाय हो जाते हैं, लेकिन 30-40 हज़ार लोगों के उपाय क्यों नहीं होते, क्योंकि वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलती इन उपायों को करने में कर देते हैं, इस कारण से उनके उपाय सफल नहीं होते। तो अब दोस्तों ये जो प्रयोग है, अब शनिवार के दिन आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आप दक्षिण दिशा में बैठ जाएं, आसन लगा करके दक्षिण दिशा में बैठ करके अपने सामने एक काली चिंदी रख लें, यानी काले कपड़े की एक काला कपड़ा सामने रख लें। उसके बाद एक लाइन बिना का कागज़ आपको लेना है। अब दोस्तों लाइन बिना का जो कागज़ आप लेंगे,
तो बिना लाइन का कागज, बिना लाइन का कागज, तो बिना लाइन का कागज लेंगे और एक काले कलर का स्केच पेन लेंगे। अब काले कलर के स्केच पेन से उस बिना लाइन के कागज पर आपको नाम लिख लेना है शत्रु का। अब मान लीजिए आपके एक से ज़्यादा शत्रु हैं तो आप तीन नाम तक इसमें लिख सकते हैं, तीन से ज़्यादा नाम आप नहीं लिख सकते। अब यदि आपके तीन से ज़्यादा शत्रु हैं और आपको नाम भी याद नहीं है शत्रु का, तो आप क्या करेंगे? तो आपके यदि तीन से ज़्यादा शत्रु हैं तो केवल लाइन बिना के कागज के, यानी बिना लाइन के सफ़ेद कागज पर आपको शत्रु लिख देना है। और यदि आपके तीन से ज़्यादा शत्रु हैं तब भी आपको शत्रु लिख देना है, और यदि आपको शत्रु का नाम ज्ञात नहीं है तब भी आपको लाइन बिना के कागज पर शत्रु लिख देना है। लेकिन यदि आपको नाम याद है शत्रु का तो फिर आप नाम जरूर लिखें कागज पर शत्रु का। शत्रु का सरनेम नहीं लिखना, केवल मात्र शत्रु का नाम ही लिखना है, और वो भी काले पेन से। दोस्तों ध्यान रखिएगा, नीला पेन, लाल पेन, ये पेन यूज़ नहीं करें, केवल काला पेन ही यूज़ करें। काले कलर का मार्कर हो तो और भी बढ़िया, और यदि काले पेन हो तो भी बढ़िया। यदि काजल से आप लिखना चाहें तो काजल से भी उस शत्रु का नाम उस कागज पर लिख सकते हैं, किसी माचिस की तीली की सहायता से। तो अब क्या करें, अब आपको शत्रु का नाम लिखने के बाद इस काले कलर के कपड़े पर इस कागज को रख देना है, और जिस पर शत्रु का नाम लिखा है, ठीक है। अब इस कागज को आपने रख दिया जहाँ पर नाम लिखा है वहाँ पर, जहाँ पर जैसे मान लीजिए आपने सबसे पहले काला कपड़ा बिछाया, काले कपड़े के बाद आपने वो कागज रखा, नाम लिखा हुआ कागज रखा। अब उस पर आपको आधी चम्मच है ना थोड़ी सी मिर्ची, यानी आधी चम्मच या थोड़ी सी आपको पीसी हुई लाल मिर्च लेनी है, और लाल मिर्च का पाउडर वहाँ पर आपको उस पर डाल देना है। लाल मिर्च का पाउडर उस पर डाल दें, ठीक है ना। अब आप क्या करें, अब उस कागज़ पर उस कागज़ को फोल्ड कर दें जिसमें आपने लाल मिर्च का पाउडर डाला, फोल्ड कर दें। कागज़ को फोल्ड करने का मतलब क्या हुआ, जैसे रुमाल की तरह घड़ी करते हैं ना अपन, कपड़े की घड़ियाँ करते हैं है ना, रुमाल की घड़ी करते हैं, फोल्ड करते हैं, इसी तरह से आप उसको भी फोल्ड करते हैं, और इस कपड़े में अच्छी प्रकार से इसको लपेट दें। दोस्तों कपड़ा खुले नहीं इस तरह से आपको लपेटना है, तो आपको क्या करना है, एक काला धागा लेना और काले धागे से आप इस काले कपड़े को बांध दें। अब काला कपड़ा जो है, चाहे काला कपड़ा जो है धागा कैसा भी हो मिल जाए, बस आपको धागा, इतना करने के बाद आपको क्या करना है दोस्तों, अब किसी निर्जन स्थान पर आप चले जाएँ। अब दोस्तों निर्जन स्थान पर आप जाएंगे तो आपको एक पेड़ की तलाश वहाँ पर करनी है, एक झाड़ी जो होती है, एक मतलब हाँ झाड़ी जैसे ही वो पेड़ होता है, तो उसकी तलाश करनी है, आँख का पेड़, आंकड़ा, जिसे आप आंकड़ा भी बोलते हैं, मदार का पौधा भी बोलते हैं, और कई जगहों पर आंकड़ा भी बोला जाता है, ठीक है। तो अब निर्जन स्थान पर चले जाएं, निर्जन स्थान आंक के पौधे बहुत सारे खड़े रहते हैं, उन पौधों के बारे में आप जानते होंगे दोस्तों। तो उस आंक के पौधे के पास चले जाएं और उसके नीचे की जगह, यानी जो मिट्टी है आंक के पौधे के नीचे जो मिट्टी है, उसको आप खोदना शुरू करें। अब खोदना शुरू करने के बाद आपको उसमें क्या करना है, जब आप खोदना शुरू करेंगे उस आँख के पौधे के उस मिट्टी को, तो आपको एक मंत्र पढ़ना है। ये मंत्र कौन सा है, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, शनिवार के दिन उपाय करना है, तो शनि महाराज का ये मंत्र है, आपको पढ़ना है, ओम नमो शम शनिश्चराय शत्रु नाशाय नमः। क्या पढ़ना है, ओम शम शनिश्चराय शत्रु नाशाय नमः, ओम शम शनिश्चराय शत्रु नाशाय नमः, ओम शम शनिश्चराय शत्रु नाशाय नमः। आप कॉपी में इस नाम को लिख सकते हैं, इस मंत्र को लिख सकते हैं, ओम शम शनिश्चराय शत्रु नाशाय नमः। आप कॉपी में इस मंत्र को लिख लें, और यह प्रक्रिया आपको खोदते समय, मतलब जैसे आप खोदना शुरू करेंगे, खोदने के बाद आप खोदते रहेंगे, जैसे जैसे आप खोद रहे हैं, खोदते जा रहे हैं, तभी आप उस मंत्र को पढ़ते चले जाएँ। खोदने के बाद आप क्या करें, आपके पास जो काला कपड़ा था, जो काले कपड़े की पोटली थी, आपको वहाँ पर इसको डाल देना है उस खड्डे में, और खड्डे में डालने के बाद वापस उस खड्डे को मिट्टी से ढक देना है। इस पूरे प्रोसेस में जब आप खड्डा खोदने से लेकर के मिट्टी ढकने तक, और वो आप जो काला कपड़ा गाड़ रहे हो, उस पूरे प्रोसेस में आपको यह मंत्र पढ़ते जाना है, ओम शम शनिश्चराय शत्रु नाशाय नमः, ठीक है, ये बोलते रहना है। तो दोस्तों इस मंत्र से शनिवार के दिन आपको इस विधि को पूरे एक बार ही कर लेना है, मतलब शनिवार को सूर्यास्त से पहले और सूर्य उदय के बाद इसको कभी भी आप कर सकते हैं। मैंने आपको समय बता दिया कि जो 2 बजे से और 6 बजे तक का जो समय होता है, ये सबसे बेस्ट होता है इसके लिए, इस उपाय को करने के लिए। तो दोस्तों आप देखेंगे, यदि आप एक बार भी इसको शनिवार को कर लेते हैं, तो आपके शत्रु का नाश होना प्रारंभ हो जाएगा, उसकी किसी भी प्रकार से सब तरह की गति रुक जाएगी, जीवन की सारी गति उसकी रुक जाएगी, जब भी कोई व्यवस्था उसकी ख़राब होगी, उसकी आर्थिक हानि होना प्रारंभ हो जाएगी, तो आप समझ लीजिएगा कि यार इस यही हमारा शत्रु था, इसकी आर्थिक स्थिति खराब होने लग गई है, और यह बुरी तरह से जो हमारा है वो शत्रु बन गया है।
तो दोस्तों ये शत्रु नाश का ही उपाय है, और इससे आपको पता भी लग जाता है कि आपके जीवन में आपसे शत्रुता कौन कर रहा था। मान लीजिए आपको नाम याद नहीं और आपने उसमें केवल शत्रु लिखा था, तो आप देख लीजिएगा थोड़े दिन बाद ही आपको उस शत्रु का सब कुछ पता लग जाएगा, वो आपके सामने ही आ जाएगा कि हाँ ये हमारा शत्रु था, क्योंकि उसकी आर्थिक हानि होना स्टार्ट हो जाएगी, वही बर्बाद होने लग जाएगा। अब जब एक बार वो बर्बाद होने लग जाएगा शत्रु, तो उसके बाद आपके लिए कभी भी वो नहीं सोचेगा। दोस्तों हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिए, फिर फ्री में आपको वहाँ पर भी ज्ञान मिलता है, हम एक भी रुपया किसी से लेते नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार।